धर्मस्थली कुरुक्षेत्र में 2019 का सियासी महाभारत भी शुरू हो चुका है, रणभेरी बच चुकी है। और इसी बीच जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार पंडित जय भगवान शर्मा जी यानी डीडी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से उन्हें कितना सपोर्ट मिल रहा है। जय भगवान शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ, उसके बाद धुआंधार प्रचार आपका चल रहा है, क्या लग रहा है? चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है, कितना सपोर्ट जनता से मिल रहा है? ऐसा कभी 87 में चौधरी देवीलाल को मिला था या 77 में जब जनता पार्टी मिली उसको मिला था। जितना जन समर्थन मुझे जमीनी तौर से मिल रहा है तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मेरे जो मेन मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी और कुरुक्षेत्र को हिस्टोरिकल प्लेस होने के नाते विश्व के मानचित्र पर चमकाना, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर की रेलवे लाइन, कुरुक्षेत्र से पटियाला की रेलवे लाइन, ये मेरा मेन मुद्दा होगा जहां वो चिट्ठी कार जा रही है। जी शर्मा जी, लेकिन जिस तरीके से सियासी समीकरण बन रहे हैं, एक तरफ बीजेपी से नायब सिंह सैनी हैं, कांग्रेस से निर्मल सिंह और खुद अर्जुन चौटाला इस बार चुनावी मैदान में है, तो चुनौती कितनी बड़ी है? ऐसे ये जो चुनाव है लोकल और बारी के मुद्दे पे चुनाव उठ गया जी। आज तक जितने भी एमपी बने सारे बाहर के बने और संयोग वश ये तीनों बाहर के हैं जी। तो आज मेरे सामने कुछ टिक ही नहीं पा रहा। मैं ये कहता हूँ कि इतना जीत का मार्जिन आएगा कि आज तक इतिहास में कोई इतने बड़े मार्जिन से एमपी जीत नहीं हुआ जी। नायब सिंह सैनी ने 2014 में जो जीत दर्ज की थी, एक जीत का अंतर काफी था और एक जाट बाहुली ये सीट है कुरुक्षेत्र की, इस पर ये रहा है कि गैर जाट ही उम्मीदवार जो है वो जीतता आया है, तो क्या इस फैक्टर का फायदा मिलेगा? ये जाट बाहुल सीट नहीं है, जाट बाहुल चार सीट है जी, सोनीपत, रोहतक, भिवानी और हिसार, ये नॉन जाट सीट है। जब लोकदल पूरे पीक के ऊपर थी, ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे, तब इसी गलतफहमी में अभय सिंह ने चुनाव लड़ा था, वो नहीं जीत पाया था। यहाँ आज तक जितने भी इस किस्म के लोग लड़ते रहे, क्योंकि चार सीट जाट बाहुल है, दो सीट रिजर्व है, दो सीट पे यादव और गुज्जर लड़ रहे हैं, करनाल और कुरुक्षेत्री तो बचे हैं, तो ये सीट आप इसको जाट सीट नहीं कह सकते, ये छत्ती बरादरी की सीट है। तो आज जिस तरीके से छत्ती बरादरी के लोग दुष्यंत चौटाला जी की वजह से किसान वर्ग, नौजवान और मेरी वजह से जितना महाजन समाज, केजरीवाल की वजह से अग्रवाल समाज, जिस तरीके के समीकरण बने लोकल और बारी के ऊपर, आज चुनाव आप देख रहे हैं कि लोग जिस तरीके से ढोल बजाकर मुझे समर्थन दे रहे हैं, टेंट लगाकर, ऐसा जितने ये बारी कैंडिडेट हैं तो अपने साथ आदमी लेके चलते हैं, मैं तो आपके सामने अकेला कार में चलता हूँ लेकिन जैसा कि आपने बताया छत्तीस बिरादरी का ये पूरा समाज है, लेकिन बीजेपी जो बात कर रही है इस वक्त राष्ट्रवाद की बात कर रही है, यानी कि उनका एक फॉर्मूला तय हो गया है कि 35 बनाम एक, 35 बिरादरी बनाम राष्ट्रवाद इसको कर दिया जाए, तो इसको किस तरीके से देखा है? का राष्ट्रवाद, उस फौजी का फॉर्म कैंसिल करा दिया, ये राष्ट्रवाद? यदि राष्ट्रवाद था तो फौजी को तो इन्होंने वहां से अपना प्रधानमंत्री जी ने अपना फॉर्म उठा लेना चाहिए था, तब राष्ट्रवाद था जी। उस फौजी का फॉर्म कैंसिल करा दिया, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं जी। ये तो देशद्रोही हैं, ये तो जात पात पे राजनीति करने वाले हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम को बांट के, सिख नॉन सिख को बांट के राजनीति करने वाले लोग हैं जी। ये राष्ट्रवादी कहाँ के हुए जी? तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपका प्रचार फिलहाल चल रहा है, सुबह शाम आप लगे हुए हैं, ऐसे में क्या जो बेसिक मुद्दे हैं, जो कोर मुद्दे हैं कुरुक्षेत्र के, उन पर फोकस आप ला पाएंगे जनता का? राष्ट्रवाद या बीजेपी जिसको कह रही है कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दो, पीएम कैंडिडेट के नाम पर वोट दो, तो कोर मुद्दे क्या आ पाएंगे इस बार चुनाव? ऐसा है, इस बार चुनाव ऐसे समीकरण पे घूम गया कि यही नहीं पता आएगा कौन जी। थर्ड फ्रंट आएगा वो हमारे बिना नहीं बन पाएगा, भारतीय जनता पार्टी यदि जोड़ तोड़ करेगी वो हमारे बिना नहीं बन पाएगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा की और इसी तरह हरियाणा के अंदर जो भी समस्याएं रही हैं उसको मैं जड़ मूल से एक एक करके उठाऊंगा, नहीं तो संसद की दीवारें हिला के रख दूंगा। धन्यवाद, अब आप वहां भी करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, तमाम बातें साथ थे जय भगवान शर्मा जी, जो कि कुरुक्षेत्र से जेजेपी और आप करेंगे।
उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं गठजोड़ की सरकार बननी है और इसमें जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार पंडित जयभगवान शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयभगवान शर्मा जी, जैसे मुद्दों की आप बात कर रहे थे, कई मुद्दे क्षेत्रीय हैं और क्योंकि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मुद्दे क्या है जमीन स्तर? ऐसे जी, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है ना, उनको अपने क्षेत्र का फिक्र होता है। राष्ट्रीय पार्टियों को तो यूपी दिखता है, गुजरात दिखता है, मध्य प्रदेश दिखता है। चौधरी देवीलाल के पीछे क्यों भी आज लोग हैं, क्योंकि उसको क्षेत्रीय मुद्दे, उसको अपनी जमीन का पता है, अपने नौजवानों का पता है, उसने तो अपने स्टेट की सोचनी है। क्षेत्रीय मुद्दे के कारण ही क्षेत्रीय पार्टियां आती हैं। ये नेशनल पार्टी का बहाना बना के वोट ले जाते हैं लोगों को, बाद में कह देते हैं नेशनल पार्टी है जी, ये काम नहीं होगा। क्षेत्रीय पार्टी की तो डायरेक्ट पकड़ होती है वर्कर से। आप एक चीज देखिए, 15 साल से लोकदल का राज नहीं है, 10 साल से अजय सिंह अंदर है, कोई फीम बुक की नहीं बेची, नौकरी दी, लेकिन आज भी कार्यकर्ता अड़ा खड़ा है। यदि गलती से उड्डा या खट्टर अंदर हो गया बीजेपी का, कांग्रेस का, तो एक कार्यकर्ता मिंट होया पाएगा। क्षेत्रीय पार्टी के अंदर लोग सीधे जुड़ते हैं, वो अपने कार्यकर्ता का, अपने वोटर का, अपने एरिए का। यदि मान लो अब सरसों नहीं बिक्री, कोई पूछ ही नहीं रहा, कणक नहीं उठ रही, कोई पूछ ही नहीं रहा, पेमेंट नहीं आ रही, क्षेत्रीय पार्टी यदि होगी तो सीएम आके बैठ जाएगा भी, नहीं मैंने तो कल को इन्होंने वोट लिया और अग्गे भी लेनी। जी, एक सवाल ये भी उठता है कि ओपी जिंदल या फिर नवीन जिंदल यहाँ से सांसद रहे, लेकिन उद्यमी होने के बावजूद वो उद्योग यहाँ पर नहीं लेकर आ पाए, तो उस मुद्दे की तरफ किस तरह से? तो यहाँ से भागे, मेरे को यहाँ एमपी बना, जिस दिन बनूंगा ना देखना कैसे के चीज लेके आऊंगा। उन्होंने तो अपना कारोबार चलाया, लोग समझ गए, 3 बार एमपी रह ले, देश का इतना बड़ा उद्योगपति हो और चुनाव छोड़ के भाग जे, यदि कुछ करे होता तो लोग अपने आप ही नहीं बोलते। क्या चीज थी 2000 एकड़ जमीन लेकर वैसी कोई इंडस्ट्री ला देंदा, लोग उसमें आ रहे जा रहे काम कर रहे, उसको क्या फर्क था? जी, और एक राइस मिलर्स का दिवालियापन जो एक बड़ा मुद्दा यहाँ का आया, क्योंकि बासमती चावल के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है, तो उस तरफ आप किस तरीके से? सरकार है ये राइस मिलों को, आढ़तियों को तबाह करने पे तुली हुई है। ये सोचती है सारा सौदा ऑनलाइन कर दे, सा बिना पत्नी, गुरु के बिना गतनी, बिना आढ़ती के जिमीदार का सर ही नहीं सकता। जैसे जचा और दाई का रिश्ता है, मान ले आपके 2 लाख रुपए बैंक में है, आपको जरूरत पड़गी सुबह 4 बजे, बैंक तो खुलेगा 10 बजे, आड़ती आपको 5 बजे भी रुपए दे देगा। ये लोग तबाह करने पे तुले हैं, इनको नॉलेज नहीं है, अनुभवहीन मुख्यमंत्री है। यदि तजर्बेकार आदमी है, उसको पता होता है दुख दर्द का। जी शर्मा जी, दो और ऐसे मुद्दे हैं जो केवल ऐसा कहा जाता है कि चुनाव आते ही वो बस्ते से बाहर आ जाते हैं और चुनाव के बाद वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, चाहे रेलवे ट्रैक का मसला हो जो कुरुक्षेत्र पटियाला रेल मार्ग है, या फिर एयरपोर्ट का मुद्दा हो कुरुक्षेत्र में, ये दोनों मुद्दे ठंडे बस्ते में चुनाव के बाद चले जाते हैं। यही तो मान्यवर कारण है कि एमपी बाहर के बनते रहे। जो लोकल आदमी होगा, मैंने तो 5 साल के लिए एमपी नहीं बनना, मैं जब तक जीऊंगा एमपी रहूंगा, मैं तो दीवारा हिला के रख दूंगा, इनको साथ लेके जाऊंगा, इनका ये पेटा भरेगा भाई, इस आदमी ने ना खाया ना खान दिया, हमारी यार आवाज को उठाया। बाकी एमपी तो 6 महीने तो सेशन चलता है, उसके बाद 6 महीने अपने घर चले जाते हैं। मैं तो वैसे भी इनके बीच में आता हूँ, दुख में सुख में, ये मेरे पास, तभी तो लोगों को समझ आई भी स्थानीय बनाओ, बारी बगाओ भी, एमपी हमारे बुजुर्ग भी गलती करते रहे। तो आज लोगों का एक ही मन बने कि बीच का आदमी एमपी बनाओ, उसके दोनों हाथ में लड्डू है, जिसकी भी सरकार होगी दुष्यंत के मेरे बिना नहीं चल पाएगी। जी, और जैसा कि अभी आप मंच से कह रहे थे कि बीजेपी ने जो चीटिंग की आप बात की आपने, तो क्या ये वो मौका है लोकसभा चुनाव का जिसमें आप वो सारे जो एक बीजेपी की तरफ से आपको शिकायत रही है उसका बदला कहीं ना कहीं? बीजेपी आई हम लोगों की वजह से थी, जो हमारे साथ दुख का किया। बीजेपी को देखना, तो जिस दिन 22-23 तारीख को रिजल्ट आएगा, खट्टर अपने आप कुर्सी छोड़ के भागेगा, नहीं कुर्सी पर रहने देगी जनता इसको। जी, क्योंकि और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अर्जुन चौटाला को अभिमन्यु के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, उनकी दावेदारी को कैसे देखें? ऐसे उनकी तो दावेदारी है ही नहीं, कांग्रेस की तो हवा जिंदल निकाल गया जी। और लोकदल की हवा अभय सिंह ने पहले ही निकाल दी थी, कोई टिकट लेने वाला ही नहीं, तभी तो उसने अपने लड़के को दी। हवा तो दुष्यंत चौटाला की है, केजरीवाल की है, डीडी शर्मा की है, हवा तो अपने आप बोलने लग जाती है। शर्मा जी, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि 45% महिलाएं वोटर्स हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र की सीट पर, महिलाओं के भागीदारी को किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसे जी, महिलाओं की, एक तो हमने पेंशन की उम्र घटाने का वायदा किया, किसी ने नहीं किया, और एक जो 2000 से 3000 पेंशन करेंगे, ये जो बैंकों में धक्के खाते हैं बुजुर्ग, मैं कहता हूँ चाहे महिला अपने खेत में काम कर रही है, चाहे वो कहीं अपने गुहारे या पथारे में काम कर रही है, चाहे जिम्मेदार कहीं भी है, घर घर पेंशन दे के आएंगे वही आदमी 3000। ये जो इन्होंने बैंक में करी है 200-200 करके 5 साल में तो पूरी करी, कितनी बड़ी चीटिंग है लोग समझने लग गए, और वो भी बैंक के अंदर, क्यों भाई, जब उससे पहले घर मिलती थी, क्या फर्क है? तो हम वो कानून कैदे लाएंगे जिससे पब्लिक के
अगली घर रोटी पूरी और वहीं उसके घर पेंशन जा रही है। पहले मरने की उम्र होती थी 100 साल, अब मरने की उम्र तो रहेगी 70-80 साल। यदि इनकी पेंशन नहीं कटाओगे फिर तो वैसे फॉर्मेलिटी है। मैंने तो उल्टा ये कही थी कि 50 साल के आदमी को मिलनी चाहिए औरत को, उम्र ही नहीं रही आदमी की तो फॉरन के अंदर मिलती है। फैसिलिटी तो देते हैं ये पाकिस्तान कजाकिस्तान वाली, और टैक्स मांगते हैं हमारे से जापान पोलैंड होलैंड और कनाडा वाला। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार पर भारी होने का तमगा है उसका फायदा भी मिलेगा। कमाल है, फायदा चुनाव लाखों वोट से जीतूंगा मैं, देखना। तो जब लोग एससी बीसी ब्राह्मण बनिया जाट हर छत्ती बरादरी एक सोचती है भी अपना बनाओ यार, इस बार लोकल एमपी बना के देखो जी। 1977 के रिकॉर्ड को तोड़ने का प्लान से भी ज्यादा मेरे को ये लगता है, लोग ये कहेंगे भी होया क्या है जी। इतनी अब देखते नहीं कैसे कितने भी आंधी आ गई डीडी शर्मा की, दूसरे भी 2-3 दिन में पता नहीं क्या इलेक्शन घूम में। ये जनभावना से जनभावना भगवान किसी ने देखा थोड़ी है, जहां 5 वहां परमेश्वर, जनता के अंदर ही तो भगवान है। तो ये जनता का मन बन गया भी इस बार तो इसको बनाओ। और तो वैसे मतलब भी मेरे जैसे ब्राह्मण को वोट पाना 1000 गऊओं का पुण्य, 1000 गऊ दान नहीं कर सकता आदमी, मेरे को एक वोट पड़ी समझो 1000 गऊ दान होगी। गधे ने खाया खेत किसी को नहीं आया वेत, ये इनकी गाय इनके खेत में चरेगी, कम से कम गोवा करेगी तो इनके खेत में तो करेगी, सरसा अम्बाला नारायणगढ़ तो नहीं जाएगी। तो मतलब 12 मई को जो कढ़ाई चढ़नी है सियासत की, उसमें जीत की मिठाई चखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ब्लॉक समिति चेयरमैन पति ने आनंद शर्मा जी ने मेरे चुनाव को जो बल दिया आपके सामने है, आप आए। ये मेरा अपने यार दोस्तों का, मेरे क्लास फेलों का, मेरे बरादराना तौर से रिश्तेदारी का, मेरा एक कर्म क्षेत्र भी रहा एक किस्म का, बचपन से आना जाना है जालखेड़ी के इस ऐतिहासिक गांव में, आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जय भगवान शर्मा जी जी। तो जय भगवान शर्मा जी का साफ तौर पर कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, धर्मस्थली कुरुक्षेत्र उनकी कर्मभूमि भी रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सियासत की कड़ाई 12 मई को चढ़नी है उसमें जीत का दावा और जीत की मिठाई चखने की बात जय भगवान शर्मा जी भी कह रहे हैं। कैमरामैन ललित सिंह के साथ जनता टीवी भविष्य त्यागी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।